Assalamualaikum friends, welcome to Life with Ariba Faisal and I hope you all are doing well. तो जी जनाब, जो आज का व्लॉग है वो व्लॉग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिर्हा के लिए जो है स्पेशल सरप्राइज की तैयारी हो रही है. तो तैयारी जो है वो आज से शुरू होती है और सरप्राइज जो है वो कल के लिए प्लान किया गया है. तो बस हम लोगों को कुछ चीज़ें खरीदनी है और हम लोग जा रहे हैं चीज़ें खरीदने के लिए. तो आप लोगों को करवाते हैं दोबारा से विजिट गुलशन अजीत का और दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है और हम लोग तैयारी स्टार्ट किस तरीके से कर रहे हैं. तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ. जो हैं बस जाने की तैयारी कर रहे हैं और चलते हैं और सामान लेते हैं. शामिर भाई बहुत रिस्की गाड़ी चला रहे हैं और बस ये गाड़ी को जो है जहाज़ की तरह उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं. और इनकी ड्राइविंग जो है ना माशाल्लाह, ड्राइविंग स्किल्स शामिर भाई की बहुत अच्छी हैं और हम जो है ना काफ़ी इन्जॉय करते हैं शामिर भाई के साथ कहीं भी हम लोग आते हैं. तो यही है कि बस आज भी हम लोगों ने सोचा कि शामिर के साथ ही आया जाए और हम लोग इन्जॉय करें. सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं सामान लेने और जो पीछे बैकग्राउंड पर डेकोरेशन हमें करनी है, बैकग्राउंड पर जो प्लास्टिक लगेगा वो हम लेने आए हैं और फिर लेते हैं, देखते हैं मिलता ही नहीं मिलता तो चलते हैं. बस यहाँ जो है मैं प्लास्टिक वगैरह देख रही थी कि कोई बैकग्राउंड के लिए प्लास्टिक या कोई वॉलपेपर वगैरह मुझे मिल जाए, तो बस मैं वही देखने के लिए यहाँ पर आई थी. तो जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे सही से मटेरियल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जो है ना हाई क्वालिटी या वैसा नहीं चाहिए था फैब्रिक. थोड़ा सा जो है मुझे चीप वॉलपेपर ही चाहिए था, क्योंकि वो बैक पे बस मुझे जो है वॉल कवर करनी थी. तो बस मैं वही देखने के लिए यहाँ पर आई थी और फाइनली मुझे पसंद आ गया था तो बस वो मैंने ले लिया था. जी गाइस, हम लोगों ने जो है ना अपनी पहली जो हम लोगों को चीज़ लेनी थी वॉलपेपर वगैरह वो हमने जो है ले लिया है. तो अब जो है ना अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर. डेकोरेशन जो हमें सामान चाहिए डेकोरेशन का बर्थडे डे के लिए वो हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ से हम लोगों को क्या क्या मिलता है. तो गाइस, ये बहुत ज्यादा खतरनाक रोड है जो हम लोग क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं. तो आइए आपको रोड क्रॉस करना सिखाते हैं अपने ब्लॉग में. और यहाँ पर जो है मुझे जो बर्थडे डेकोरेशन के लिए सामान चाहिए था बस वो हम लोग लेने के लिए आ गए थे. तो वही हम डिसाइड कर रहे थे कि थीम वगैरह हम लोगों ने क्या रखना है और बैकग्राउंड के लिए बलून्स वगैरह जो भी हम लोगों को चाहिए था, तो बस हम लोग वही सब चीज़ें जो है सेलेक्ट कर रहे थे. उमेर जो है मेरी हेल्प करवा रहा था इसमें, क्योंकि जो डेकोरेशन है वो उमेर देखेगा तो जाहिर सी बात है वो थीम वगैरह हम लोग मिल के जो है वो सेलेक्ट कर रहे थे. तो बस उसी सिलेक्शन में हम लोग जो है वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि जो है हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं. Thank you.
और यहाँ जो है बलून्स वगैरह हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए थे, थोड़ा बहुत सामान हम लोगों ने ले लिया था, कुछ यहाँ से समझ में आया था, जो नहीं समझ में आया था वो हम लोगों ने आगे से लेना था, और पीछे का बैकग्राउंड वगैरह भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था। और बस यही था कि जो भी सामान हम लोग को चाहिए था, हम लोग सोच रहे थे कि एक ही शॉप से हम लोग बाय कर लें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, घर वापस जाना था और भी सामान हमें लेना था। तो बस फिर जो है यहाँ जो भी हम लोगों को मिला वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर इतनी कोई मतलब नई नई चीज़ें थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि जो है ना क्या क्या चूज़ करें, और बस वही मैं देख रही थी कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि पहले तो इतनी चीज़ें नहीं होती थी, और एक जो है ना ख़ास बजट होता था, तो उसमें जो है बंदा प्लान करके कोई भी चीज़ जो है वो सेलिब्रेट कर सकता था या डेकोरेशन हो सकता था उस एक मिनी बजट में। लेकिन अब जो है हाई रेट्स हो गए हैं और चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो बस जो है अब उस हिसाब से चलना पड़ता है, एक खासा बजट बनाना पड़ता है, वो चाहे डेकोरेशन हो या कुछ भी हो। तो वही बस हम लोग जो है एक मिनी बजट को लेते हुए चल रहे थे, और हमारी सिलेक्शन फाइनली हो गई थी, सामान वगैरह हम लोग पैक करवा रहे थे। यहाँ मुझे पार्टी कैप्स नज़र आ गए थे, बस मैं वही ले रही थी। तो मेरा कि सारा सामान ले लिया डेकोरेशन का। तो अभी शामिर भाई को मैंने देखा, पता नहीं ये क्या चीज़ को देख रहे थे, किस चीज़ को देख रहे हो आप? अच्छा कबूल है, ये बोल रहे हैं ये मुझे कब नसीब होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द नसीब होगा शामिर भाई। नहीं कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे ही बोल रहा, मजाक कर रहा था, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द नसीब होगा और इसके व्लॉग्स भी आएंगे। तो जी अब जो है हम लोगों ने डेकोरेशन का सामान जो है वो खरीद लिया है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा। और यहाँ जो है मुझे मिरहा के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह या कुछ मुझे हेयर बैंड्स वगैरह लेने थे मैचिंग के, तो बस मैं वही देख रही थी। यहाँ भी मुझे कुछ इतना ख़ास समझ में नहीं आ रहा था, मुझे वैसे मिरहा के लिए ना क्राउन वगैरह सेलेक्ट करना था, क्योंकि बैंड्स वगैरह तो ये नॉर्मल डेज में भी लगा रही होती है, तो बस वही मैं देख रही थी कि कोई अच्छा सा क्राउन नज़र आए या कोई बैंड इस टाइप का नज़र आए जो उसकी आउटफिट के साथ मैच हो जाए, तो बस मैं वही ले रही थी यहाँ पर। और बस मैं क्राउन पे मेरी बार बार नज़र जा रही थी, दिल चाह रहा था मैं क्राउन ले लूँ, तो बस मैंने जो है फिर फाइनल जो है क्राउन कर दिया था, क्योंकि क्लिप्स वगैरह तो मेरे इतने समझ में नहीं आए और बैंड्स वगैरह मेरा के पास इतने हैं जो कि ये लगाती नहीं है, वो सारे के सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बस हम लोगों ने फाइनली क्राउन सेलेक्ट कर लिया था यहाँ पर। और यहाँ जो है हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी रिफ्रेशमेंट के लिए, इतनी गर्मी है, आइसक्रीम खा ली जाए। लेना था वो हम लोग ले चुके हैं और आइसक्रीम एंजॉय करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट थी कि अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके और कमेंट करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो है व्लॉग्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि आने वाले सरप्राइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।